हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है ईद के लिए। आप इसे कभी भी रिक्रिएट कर सकते हैं किसी भी फेस्टिवल्स के लिए, किसी भी वेडिंग फंक्शन के लिए। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आएगा। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर इस तरीके के वीडियोस आपको देखना पसंद है, लाइक मेकअप रिव्यूज़, हॉल एंड ट्रैवल से रिलेटेड इस तरीके के वीडियोस मैं बनाती हूँ, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे वीडियोज़ के। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है गार्नियर का एंकल लिफ्ट क्रीम, तो इसे मैं पूरे अपने फेस पे नेक पे अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरीके से। देन यहाँ पर मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का डूई प्राइमर, तो इसे भी मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इंस्टेंटली ग्लो आ जाता है फेस पे। नेक्स्ट यहाँ मैं ले रही हूँ मेबिलिन का एज रिवाइंड कंसीलर, तो ये थोड़ा सा डार्क शेड है, तो जहाँ मुझे कंसील करना है जिन एरियाज़ पे, तो वहाँ मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, लाइक अपने डार्क सर्कल्स पे, अपने कॉर्नर ऑफ माउथ पे, नोज़ के कॉर्नर्स पे, एंड जहाँ भी थोड़े बहुत स्पॉट्स वगैरह है तो उन्हें कंसील करने के लिए इसे अप्लाई कर रही हूँ। देन डैम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से इस तरीके से डैप डैप करके मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन, तो इस तरीके से एप्लीकेटर्स मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे, एंड अगेन डैम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से मैं इसे डैप डैप करके पूरा ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ मैं ले रही हूँ निक्स का कंसीलर, तो इसे जो भी एरियाज मुझे हाईलाइट करनी है, लाइक अंडर माई आईज, चिन, क्यूपिड्स बो, ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज, फोरहेड, तो वहाँ मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, एंड डैम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से इसे भी ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ मैं ले रही हूँ मेबिलिन का फिट मी लूज पाउडर, तो इससे जहाँ पर भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया है उन एरियाज को सेट कर लूँगी, एंड बहुत हल्का हल्का सा मैं पूरे अपने फेस पे डस्ट कर लूँगी इस तरीके से। देन यहाँ ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोरिंग पैलेट, तो इससे मैं अपने चीक्स को कॉन्टो कर लूँगी, अपने जॉ लाइन को कॉन्टो करूँगी, इसे मैं अपने फोरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ, एंड नोज़ को भी कॉन्टो कर लूँगी। अगेन ये लाइटर शेड ले रही हूँ एंड इस तरीके से अपनी चीक्स को कट कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ मैं ले रही हूँ अर्थ रिदम का लिक्विड ब्लश, तो इस तरीके से अपने चीक्स पे एंड नोज़ पे अप्लाई करूँगी, एंड डैम ब्यूटी स्पंज है इसी से मैं इसे भी ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ मैं ले रही हूँ मास्टर क्रोम हाइलाइटर फ्रॉम मेबिलिन, इसे मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ चीक्स पे, ब्रिज ऑफ नोज पे, क्यूपिड्स बो पे एंड फोरहेड पे अप्लाई कर लूँगी। यहाँ मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट, तो इससे मैं अपने आईब्रोज बना लूँगी। नेक्स्ट यहाँ ले रही हूँ निक्स का कंसीलर, तो इससे मैं अपने आईलिड को प्राइम कर लूँगी एंड अपने आईब्रोज को भी क्लीन कर लूँगी, एंड डैम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से इसे भी मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से, एंड इसे भी मैं सेट कर लूँगी लूज पाउडर से, एंड जो पाउडर मैंने यहाँ पर चीक्स पे अप्लाई किया था उसे रिमूव कर दूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट, इसमें से डार्क ब्राउन शेड लिया है एंड अपने क्रीज के अबव इसे अप्लाई कर रही हूँ, एंड आउटर कॉर्नर ऑफ आइज पे भी अप्लाई करूँगी ताकि मेरी आइज़ को डायमेंशन मिल जाए एंड शेप मिल जाए अच्छी तरीके से। तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। इसे 2 से 3 बार मैंने पिक किया था, तो जिस हिसाब से आपको डार्क चाहिए या लाइट चाहिए उस हिसाब से इसे लगा सकते हैं, बट जो भी आप अपने क्रीज के अबव अप्लाई करते हैं तो थोड़ा लाइट ही रखिए उस शेड को। तो यहाँ मैं अपने आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डार्क रख रही हूँ। नेक्स्ट ये ग्रीन शेड ले रही हूँ एंड इसे अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी एंड आउटर वी पे भी इसे अप्लाई करूँगी, बट जहाँ मैंने पहला शेड अप्लाई किया था उससे थोड़े से नीचे इसे अप्लाई करूँगी आउटर वी पे। एंड इसे लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ, लाइक पहले मैं ब्राउन शेड अप्लाई करूँगी देन ग्रीन शेड अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट यहाँ मैंने लिया है मेबिलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, तो इसे मैं अपने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लूँगी एंड अपने लिड पे भी इसे ही मैं अप्लाई करूँगी। आप कोई भी ग्लिटर या शिमर, कोई भी आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिंगर की हेल्प से इसे अप्लाई किया है जिससे पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी मिल जाती है,
नेक्स्ट यहाँ पर मैं ले रही हूँ मार्स का स्केच आईलाइनर, तो इससे मैं विंग आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ मैंने लिया है मेबेलिन का कॉलोसल काजल, तो इससे मैं अपनी वाटरलाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। देन अपने आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी एंड कोट ऑफ मस्कारा अप्लाई करूँगी। तो मस्कारा के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मेबेलिन का कॉलोसल मस्कारा, तो अपनी अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस दोनों को कोट कर लूँगी। नेक्स्ट ऑफ कैमरा मैं अपनी फॉल्सीज अप्लाई कर लूँगी, तो यहाँ मैंने अपने फॉल्सीज अप्लाई कर लिए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिप लाइनर लिया है अपने लिप्स को आउटलाइन करने के लिए, तो मेबेलिन का लिप लाइनर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मेबेलिन का लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ मैं एंड इसे अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी। तो दिस इज़ द कम्प्लीट लुक। आप चाहें तो इस तरीके से भी इसे अपने लिपस्टिक को मैट रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ग्लॉसी लुक के लिए यहाँ पर ग्लॉस अप्लाई किया है एल्फ का। आप चाहें तो मैट भी रख सकते हैं या ग्लॉस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कम्प्लीट एंड फाइनल मेकअप लुक फॉर एनी फेस्टिवल, फॉर एनी ओकेजन। आप इसे रिक्रिएट कर सकते हैं, बहुत ईजी है रिक्रिएट करना। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।